चूहा पिंजरे में फंसकर इसलिए मरता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि उसे मुफ्त में रोटी क्यों दी जा रही है। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीता तो मर जाता, नहीं पीता तो भी मर जाता। बस यही जिंदगी भर के मसले हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। हुनर सड़कों पे तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। सुबह सुबह उठना पड़ता है जिंदगी कमाने के लिए साहब, आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। दौलत की भूख ऐसी लगी कमाने निकल गया, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों में रहने की फुर्सत ना मिली कभी, फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। मैंने कहा गुनहगार हूँ, रब ने कहा माफ़ कर दूँगा मैं। मैंने कहा परेशान हूँ, रब ने कहा संभाल लूँगा मैं। मैंने कहा तन्हा हूँ मैं, रब ने कहा तुम्हारे साथ हूँ मैं। और मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ, रब ने कहा नज़र तो उठा तेरे आसपास हूँ। कभी थक के सो गए हम, कभी रात भर न सोए, कभी हंस के गम छुपाए, कभी मुंह छुपा के रोए। मेरी दास्तान हसरते वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। मैं हूँ बेवतन मुसाफिर, मेरा नाम बेबसी है, मेरा कोई नहीं है जो गले लगा के रोए। मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मान जाऊँ वो दूर जा के रोए। बेटियाँ नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं, अजी हम लड़के हैं जनाब, हम कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। आधी उम्र जिम्मेदारी समझने में गुजर जाती है तो आधी उसे निभाने में। पूरा बचपन किताबों में गुजरता है तो जवानी कमाने में। ये जिम्मेदारी उम्र के साथ बढ़ती जाती है, ये बुढ़ापे में भी कम नहीं होती। अजी कौन कहता है जनाब हम लड़कों की ज़िंदगी में कोई गम नहीं होता। माँ कमर और बाप कंधे पर क्यों बैठाते थे पता है? माँ कमर पर इसलिए बैठाती थी ताकि जिधर तक वो देख सके वहाँ तक हम भी देख सकें। पापा कंधे पर इसलिए बैठाते थे ताकि हम उनसे भी दूर का देख सकें। ये बाप बेटे का रिश्ता ना दीदी ऐसा होता है, माँ तो बोल देती है लव यू, बाप बोल नहीं पाता। और माँ के लिए बहुत पढ़ा लिखा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए चार लाइन पढ़ना चाहता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का नया आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। मैं इंसान थोड़ा अलग तरीके का हूँ, इसलिए हर किसी की समझ में नहीं आता। मैं सच बोलकर रिश्ते को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि झूठ बोलकर भरोसा जीतना ये मैंने कभी सीखा नहीं। और सर मैम साहब क्या करती है? अरे वो कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ है। सर एक हाउसवाइफ कभी सिर्फ और सिर्फ हो ही नहीं सकती। हाउसवाइफ तो हमेशा स्पेशल होती है सर, एक साथ पति बच्चा सास ससुर सबका ख्याल रखती है, घर के सारे काम करती है, सबके नखरे झेलती है। और इसके बाद भी जब कोई एपिसोड नहीं करता है ना सर, तो एक मुस्कान के साथ अपने आप को मना कर सो जाती है ताकि अगली सुबह फिर वो सारे काम कर सके जिससे उसकी फैमिली खुश रहे। एक दिन सिर्फ एक दिन यह हाउसवाइफ छुट्टी ले लेना सर तो सब कुछ रुक जाएगा। रुक क्या जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। और वो एक औरत है लेकिन उसके 10 हाथ होते हैं। खुदा कहता है किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो
अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। खुदा की मोहब्बत के अलावा दुनिया की हर मोहब्बत दुख देती है। सिर्फ खुदा ही है जिससे जितना झुककर मोहब्बत मांगी जाए उतनी ही बुलंद नसीब होती है। जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं करता। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है, अपने रब पे रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। किस्मत से अपनी सबको शिकायत क्यों है, जो नहीं मिलता उसी से मोहब्बत क्यों है। कितने खड़े हैं राह पे फिर भी, दिल को उसी की चाहत क्यों है। ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है, और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। ज़िंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। ज़िंदगी मुश्किल में भले ही बीत जाए, पर जो नहीं झुकता उसे इंसान कहते हैं। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। कुछ लोग जिधर की हवा होती है उधर चले जाते हैं, हालांकि ये काम कचरे का होता है। मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। क्या खूब लिखा है, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सबको बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही है राज ज़िंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। कफन भी क्या चीज़ है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने ख़रीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। दो कौड़ी के नेता 100-100 करोड़ में बिक रहे हैं, और इनको जिताने वाली जनता 5 किलो गेहूं और 1 किलो चने में ही मस्त है। पीछे जो गड्ढे देख रहे हो ना, वो ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं, लेकिन हम और आप वो देख रहे हैं जिसे सरकार और मीडिया दिखाना चाहती है। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता साहेब, कभी कभी उड़ने वाले को भी सहारा लेना पड़ता है। गरीबी से बाहर निकलो, सबसे पहले अपने सारे उधार चुका दो, एक मुकम्मल इनकम सोर्स बना लो, एक साइड इनकम सोर्स बनाना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू करो, पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करो, अपने स्केल को परफेक्ट कर दो। आग लगी थी मेरे घर में, सब जानने वाले आए, हाल पूछा और चले गए। एक सच्चे दोस्त ने पूछा क्या क्या बचा है, मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ मैं बच गया हूँ। उसने गले लगा कर कहा
फिर जला ही क्या है। एक दोस्त ने पूछा, क्या चल रहा है आजकल? मैंने हंसकर बोला, घर वालों के ताने, दर्द भरे गाने, बाकी भगवान जाने। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। दोस्ती किसी की रियासत नहीं होती और मौत किसी की अमानत नहीं होती। हमारी अदालत में कदम जरा सोच कर रखना, यहाँ दोस्ती तोड़ने वाले की जमानत नहीं होती। तेरी दोस्ती में खुद को महफूज मानते हैं हम, दोस्तों में तुम्हें सबसे अजीज मानते हैं। तेरी दोस्ती के साये में जिंदा है हम, तो तुझे खुदा का दिया हुआ ताबीज मानते हैं।